आज के टाइम में कोटक नियो अपने जीरो ब्रोकरेज प्लान्स की वजह से इंडिया में काफी फेमस हो चुका है। इनके पास बेसिकली तीन प्लान्स हैं, ट्रेड फ्री यूथ प्लान, ट्रेड फ्री प्लान, ट्रेड फ्री प्रो प्लान। इन तीनों ही प्लान्स के अंदर हम देखेंगे किन कंडीशंस में आपको जीरो ब्रोकरेज देनी पड़ती है। साथ ही साथ इनके और चार्जेस जैसे कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, एएमसी चार्जेस, हिडन चार्जेस को भी हम वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप कोटक नियो एप्लीकेशन यूज करने की सोच रहे हैं तो पहले इस वीडियो को कम्प्लीट देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप एक एक करके इनके तीनों ही प्लान्स के चार्जेस जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेड फ्री यूथ प्लान की। तो जैसा कि इसके नाम में यूथ है, ये 30 साल के नीचे वाले उम्र के लोगों के लिए है। तो अगर आपकी उम्र 30 साल के नीचे है, आप अकाउंट ओपन करने जाएंगे कोटक नियो के अंदर, तो ऑटोमेटिक आप लोगों को ट्रेड फ्री यूथ प्लान के अंदर सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। यहाँ पे जो चार्जेस है वो कुछ इस प्रकार है, आप लोगों को यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यहाँ पे 499 रुपये पर ईयर पे करना होगा। ठीक है, 499 रुपये आपने पे कर दिए, जिसके बाद आप लोगों को इंट्राडे के अंदर ऑल सेगमेंट के अंदर जीरो ब्रोकरेज देना है। यानी आप इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग करिए या फिर स्टॉक ट्रेडिंग करिए, कोई ब्रोकरेज नहीं देना है। इसके अलावा अगर आप FNO पोजीशन को अपने कैरी फॉरवर्ड करते हैं यानी अगले दिन में लेके जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप लोगों को कोई ब्रोकरेज यहाँ पे नहीं देना है। अगर आप स्टॉक की डिलीवरी लेते हैं तो आप लोगों को डिलीवरी के ऊपर भी जीरो ब्रोकरेज देना है, कोई ब्रोकरेज आपका यहाँ पे भी नहीं लगने वाला है। इसके अलावा जो लोग मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज़ करते हैं, MTF फैसिलिटी का यूज़ करते हैं, उनको यहाँ पे 0.049% पर डे का चार्ज यहाँ पे देना पड़ता है ट्रेड फ्री यूथ प्लान के अंदर। तो ये तो बात हो गई ट्रेड फ्री यूथ प्लान की। अब बात करते हैं ट्रेड फ्री प्लान की। ट्रेड फ्री प्लान दोस्तों 30 साल के ऊपर वाली उम्र के लोगों के लिए है। यानी अगर आपकी उम्र 30 साल के ऊपर है तो आप लोगों को ऑटोमेटिक ट्रेड फ्री प्लान दे दिया जाएगा। ट्रेड फ्री प्लान के अंदर आपका जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो 499 रुपये प्लस GST सिर्फ एक बार है लाइफ टाइम में। ठीक है, और इसको लेने के बाद आपका जो चार्जेस है वो कुछ इस प्रकार है, इंट्राडे के अंदर किसी भी सेगमेंट के अंदर इसके अंदर भी आप लोगों को जीरो ब्रोकरेज देना है। यानी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करिए, स्टॉक ट्रेडिंग करिए, जीरो ब्रोकरेज लगेगा। इसके अलावा अगर आप अपना पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करते हैं FNO वाला, तो आप लोगों को 20 रुपया पर ऑर्डर का यहाँ पे करना होता है सिर्फ FNO ट्रेड के ऊपर। ठीक है, FNO ट्रेड को आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो 20 रुपये का चार्ज पर ऑर्डर के ऊपर आपके ऊपर लगाया जाता है। इसके अलावा अगर आप स्टॉक की डिलीवरी लेते हैं तो यहाँ पे भी आपसे ब्रोकरेज चार्जेस लिया जाएगा। यहाँ पे 0.25% का यहाँ पे चार्जेस लगता है अगर आप डिलीवरी का यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो। इसके अलावा अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, MTF को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए 0.049% पर डे के हिसाब से यहाँ पे इनको कमीशन या फिर चार्जेस कह सकते हैं आप देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके लास्ट प्लान की, जो कि है ट्रेड फ्री प्रो प्लान, ये किन के लिए है सबसे पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद इसके चार्जेस को डिसाइड करेंगे यहाँ पे बेसिकली देखेंगे। तो अगर हम ट्रेड फ्री प्रो प्लान की बात करें तो इसके जो चार्जेस है वो 299 रुपये पर मंथ आपको लगते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है पहले ये देख लीजिए। ये बेसिकली उनके लिए है जो लोग MTF को बहुत भारी मात्रा में यूज़ करते हैं, यानी कम पैसे में ज़्यादा स्टॉक खरीदना चाहते हैं और चाहते हैं कि भैया जो ब्याज दर लगभग 18% का है वो कम हो जाए, तो बिल्कुल ये प्लान आपके लिए है। अगर आप 299 रुपये प्लस GST दे करके पर मंथ इस प्लान को सब्सक्राइब करते हैं और MTF में कोई शेयर तब बाई करते हैं, तो आपका जो चार्जेस है वो आधा हो जाएगा ट्रेड फ्री प्लान और ट्रेड फ्री प्रो प्लान से। आप लोगों को सिर्फ 0.0267% का पर डे का यहाँ पे चार्ज इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि 18% था उन दोनों ही प्लान्स में, लेकिन यहाँ पे घट के सिर्फ 9% रह जाएगा सालाना। इसके अलावा अगर आप इंट्राडे में किसी भी सेगमेंट में ट्रेडिंग करते हैं जीरो ब्रोकरेज लगेगा, कैरी फॉरवर्ड करते हैं किसी FNO पोजीशन का 20 रुपये पर ऑर्डर लगेगा, स्टॉक की डिलीवरी लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 0.1% का आपको यहाँ पे चार्जेस देना पड़ेगा। तो ये तो थी हमारे तीनों प्लान्स के चार्जेस और सब्सक्रिप्शन फीस और किन के लिए कौन से प्लान है ये भी मैंने आपको बताया। अब हम अदर चार्जेस की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम अकाउंट ओपनिंग फीस की बात करें कोटक नियो के अंदर, तो अकाउंट ओपनिंग फीस यहाँ पे जीरो है। अगर हम यहाँ पे AMC चार्जेस की बात करें यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें, तो वो कुछ इस प्रकार है। अगर आपकी होल्डिंग 50,000 से नीचे की है, आपके डीमेट अकाउंट के अंदर आपने 50,000 से कम के शेयर यहाँ पे लिए हैं,
तो आप लोगों का अकाउंट बेसिक सर्विस डीमेट के अंदर आता है, यानी बीएसडी अकाउंट आपका उस कंडीशन में हो जाता है, और उस कंडीशन में आप लोगों को जीरो एएमसी चार्जेस पे करने होते हैं। इन अदर केस अगर आपका होल्डिंग 50,000 रुपये से लेके 2,00,000 रुपये तक है यहाँ पे कोटक नियो के अंदर, तो आप लोगों से यहाँ पे 100 रुपये प्लस जीएसटी पर एनुअल लिया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी होल्डिंग 2,00,000 को क्रॉस कर जाती है तो उस कंडीशन में आपसे 50 रुपये पर मंथ यहाँ पे एएमसी चार्जेस लिए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं जो कि आप इंडिया में किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कर लो वो तो आपको देना ही देना है, उसमें आपके ब्रोकर का कोई रोल इन्वॉल्व नहीं होता है। इसके अंदर एफटीटी चार्जेस, जीएसटी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस और अदर अदर चार्जेस करके होते हैं जो आपको पे करने ही होते हैं। तो ये था कुछ इस तरह से हमारा चार्जेस लगेगा कोटक नियो के अंदर। तीनों प्लान्स के बारे में मैंने आपको बताया और इनके जो मेन मेन प्लान्स है अकाउंट ओपनिंग फीस, एएमसी चार्जेस, ये चीज़ों के बारे में भी वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिया है। फिर भी कुछ अगर छूट जाता है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। आप लोग प्लीज़ वीडियो में बताइएगा कि वो पॉइंट कौन सा छूट गया है, तो मैं अगले वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।